नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वबकोस लिमिटेड में। सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है जो कि एक गवर्नमेंट पीएसयू है। सो चलिए इस जॉब से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पर सिविल इंजीनियर फ्रेशर और सिविल इंजीनियर एक्सपीरियंस सभी के लिए जॉब है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नेमा पोस्ट इंजीनियर सिविल, एज लिमिट 30 ईयर, एज काउंट डेट 1/1/2021। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर का होना चाहिए प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में। और सभी जॉब के लिए सैलरी यहाँ पर नीचे दी गई है, आप इसको देखते चलिएगा, ठीक है। सेकेंड जॉब की बात करें तो इंजीनियर ट्रेनी सिविल, मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 ईयर, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बीई बीटेक आपका होना चाहिए। थर्ड जॉब की बात करें तो इंजीनियर सिविल, मैक्सिमम एज 30 ईयर, एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बीई या फिर बीटेक, यदि आपका एमटेक या फिर एमई है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फोर्थ नंबर जॉब की बात करें तो इंजीनियर ट्रेनी सिविल, मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट 2, क्वालिफिकेशन बीई या फिर बीटेक होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और परसेंटेज के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप इंटरव्यू पास कर जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपकी एसएससी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए अनएकेडमी की तरफ से दिया जा रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। 18 जनवरी से शुरू हो चुका है प्रैक्टिकल CYQ टेस्ट सीरीज, जिसमें कॉन्स, इंग्लिश, GA, रीजनिंग, GS जैसे सब्जेक्ट का टेस्ट और एनालिसिस क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और आपके करंट अफेयर को बेस्ट बनाने के लिए 18 जनवरी से प्रतियोगिता मंत्रा सर द्वारा स्टार्ट हो चुका है डेली करंट अफेयर स्कोर बूस्ट अप सीरीज, जिसमें आपको टेस्ट और एनालिसिस क्लास फ्री में मिल जाएगी। और 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है सुपर प्लेटिनम टेस्ट सीरीज, जिसमें रीजनिंग, GA, क्वांट, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। सो यदि आप इन सभी फ्री टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एप्लीकेशन और मेरे इस अनलॉक कोड अंजनी सिविल का यूज कर इनरोल करें। और यदि आप इस कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कोड और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके इनरोल कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप फीस की बात करें तो जर्नल OBC के लिए 1000 है, और ST/SC/PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए इस फॉर्म को फिलअप करने की जो फीस है 500 रुपए है। पेमेंट मेथड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको कंपनी के नाम पर DD बनवाना पड़ेगा। एज में छूट की बात करें तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ST/SC/OBC/PWD कैंडिडेट को एज में छूट दी जाएगी। फॉर्म फिलअप प्रोसेस की बात करें तो ऑफलाइन प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। आपको सारा डॉक्यूमेंट इस एड्रेस पर सेंड करना होगा। और फॉर्म फिलअप लास्ट डेट की बात करें तो 5 फरवरी 2021। ST/SC/PWD कैंडिडेट को रिटन एग्जाम या फिर इंटरव्यू एग्जाम के लिए TA दिया जाएगा। इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम वेबसाइट से उस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के सर्च बॉक्स में वेबकॉस कैरियर लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको पहली लिंक दिख रही है कैरियर वेबकॉस, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, तो सिंपली आपको नीचे चले जाना है। नीचे आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब है। तो इसी जॉब की बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है TC PDF और इसके नीचे लिखा है CV Format PDF। तो आपको CV Format PDF डाउनलोड कर लेना है। और यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको TC PDF पर क्लिक करना है। तो चलिए हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कि CV Format को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो CV Format पर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी फॉर्म को फिलअप करके और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है उन सबका प्रिंटआउट निकाल कर इसके साथ सबमिट करके और DD लगा के
आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देना है। तो आप इस तरह से इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।